नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और हमारी इस खास पेशकश प्रॉपर्टी बाजार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं न पूरी करने की वजह से ओखला पक्षी विहार के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में बन रहे कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की ओर से इनकार करने के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर रोक लगा दी है, जिससे नोएडा की नहीं दिल्ली की अनगिनत आवासीय परियोजनाओं का भी भविष्य अधर में लटक गया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जेपी इंफ्रा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कंस्ट्रक्शन के मामले में ग्रीन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार, नोएडा के बिल्डर्स और निवेशकों की परेशानियां बढ़ी। नोएडा में सुपरटेक के बाद अब जेपी इंफ्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल पर्यावरण से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं ना पूरी करने की वजह से ओखला पक्षी विहार के पास बन रही कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देने से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इनकार कर दिया था, जिसे नोएडा की 49 निजी परियोजनाओं का भविष्य अधर में लटक गया। इन परियोजनाओं में आवासी और व्यवसाय दोनों शामिल हैं। इसे इन इलाकों में प्रोजेक्ट्स खड़े करने वाले बिल्डर्स और फ्लैट खरीदारों की रातों की नींद उड़ गई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। और तो और, सुप्रीम कोर्ट ने ओखला पक्षी विहार के पास कंस्ट्रक्शन पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर रोक जारी रहेगी। 10 किलोमीटर में साउथ एक्स, ग्रेटर कैलाश, इंडिया गेट के अलावा नोएडा सेक्टर 62, 66, 35, 36 और 37 शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन इलाकों में प्रोजेक्ट्स बनाने वाले बिल्डर्स और निवेशक काफी परेशान हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से 4000 फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों पर असर होगा। वहीं सभी प्रोजेक्ट्स पर रोक से 53 बिल्डरों पर असर होगा। सुदर्शन न्यूज के लिए बिजनेस डेस्क से मनु लखोत्रा की रिपोर्ट। तो परेशानियां जो हैं वो लगातार रियल स्टेट सेक्टर की लगातार बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं जो मामले इस तरीके के सामने आते हैं उससे कंज्यूमर्स परेशान होते हैं, जो बिल्डर्स हैं उन्हें परेशानी होती है, और साथ ही साथ जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं आखिर उनके लिए जिम्मेदार कौन है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो मसला सामने आया है, ये जो कारण हुआ है, इसके पीछे किसकी असल में गलती है और कौन इसके लिए अब ज्यादा उत्तरदायी है और किस किस को इस पर परेशानी होने वाली है। पूरे मसले पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ राजीव रंजन शर्मा, NCR फ्लैट्स ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रदीप मिश्रा जी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट स्टूडियो में हमारे साथ हैं, और हिमांशु उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस एडिटर राय तपन भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। तपन जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले तो शायद कहीं ना कहीं जो हमारे दर्शक हैं उनके जहन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर भी सवाल होगा कि आखिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, और अब ये जो मसला सामने आया है, क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहीं ना कहीं देरी कर दी है इस पूरे मसले के बाद, क्योंकि परेशानियां अब जो है कहीं ना कहीं रियल स्टेट के अंदर भी जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उन्हें भी, और अब कहीं ना कहीं कंज्यूमर सभी को परेशानी हो रही है। थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि आखिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत में क्यों आया। जी, सन 1910 से ये ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, लेकिन इसकी बुनियाद रियो में पड़ी थी। रियो में 1992 में एक सम्मेलन हुआ था एनवायरमेंट को लेकर, तो पूरी दुनिया के देशों ने मिलकर यह तय किया था कि पर्यावरण की रक्षा करना है और उसके लिए अपने यहाँ जुडिशियल बॉडी हो जो हाईकोर्ट के इक्वल होना चाहिए। तो भारत सरकार ने थोड़ी देरी की, 2010 में चलिए इसका गठन हो गया। अब यह है कि 2010 के बाद जैसे जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत सारे मामलों में दखल देना शुरू किया, तो लगभग आप समझिए कि 4 साल होने जा रहा है। अब ये 4 साल में ये पहला बड़ा मामला सामने आ रहा है जहां पर ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे, जैसा कि बुलेटिन में हम लोग देख रहे थे कि मनु लखोत्रा बता रही थी कि दिल्ली के उस पार भी और दिल्ली के इस पार नोएडा में भी, यदि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिस तरह का ये अभी रोक लगा रखी है, इसको हम अभी फैसला नहीं कहेंगे, निवेशकों को अभी हम डराना नहीं चाहेंगे, अभी रोक लगाई है
कि सरकार तय करे कि कितने बड़े दायरे को रखना है और इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे। इसी में लटका हुआ मामला न विधायिका को ये काम करना है, इसी तरह का ज्यादा एक्सप्लेन तो हिमांशु उपाध्याय जी करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय क्या चाहता है। हम ये जरूर हम लोगों को पता चला कि जम्मू हो या लखनऊ हो या बंबई हो, तमाम जगह से दर्शकों के फोन आ रहे हैं, उनके क्वेरी आ रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बला क्या है भाई, कि ये हर जगह काम को रोक रहा है, इस तरह की यदि रियल एस्टेट का काम रुकता रहा तो हम निवेश कैसे करेंगे। लेकिन राजीव रंजन जी, कहीं ना कहीं जो इस तरीके का फैसला आया है, प्रैक्टिकल अगर वे में अगर सोचा जाए, क्योंकि 10 किलोमीटर का दायरा एकदम से इंप्लीमेंट कर देना, तो क्या जो गवर्नमेंट है उन्हें पहले इस बारे में, या फिर मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जिस तरीके से बात हो रही है, क्या उन्हें इसके बारे में नहीं पता था, क्या पहले नोटिस नहीं जारी किया गया, क्या नेग्लिजेंस की गई जो तमाम बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से? प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं ये बिल्डर्स को भी पता है, ये ट्रिब्यूनल को भी पता है, बट एज ए कॉमन इन्वेस्टर एक आम आदमी को नहीं पता कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एक आम आदमी देखता है कि कौन कितना बड़ा बिल्डर है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी हाईलाइटेड है, सब जगह बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट है, सब पास है, बैंक्स ऑल्सो इन्वॉल्व हैं, उनके ड्यू डिलीजेंस होते हैं, सो बैंक लोन भी है, तो एक कंज्यूमर ये समझता है कि ठीक है ये एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। सडन आफ्टर 4 ईयर और 5 ईयर उसको ये पता चलता है कि यहाँ पे परमिशंस नहीं ली गई हैं और पोजीशन नहीं मिल पा रहा है, तो एंड ऑफ द डे एक जो इन्वेस्टर है वो सफर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी यहां पर जरूरी है। मृत्युंजय कुमार CMD यूनेबेरा ग्रुप के हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं रियल स्टेट जो सेक्टर है वो अब इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे, क्योंकि जाहिर है इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले किसी बिल्डर को या वहां पर लेनी पड़ती हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो इसका उत्तरदायी कौन है? नहीं, ये पहली बात हमें एक चीज समझना होगा जी, कि ये सबसे पहले 2004 में गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस हुआ था PIL लगी जी, राइट। उसी के वक्त ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, गोवा के जब PIL लगी तो उसमें डिसीजन दिया था कि इसको हम लोग आपको फेवर में 10 किलोमीटर का रेडियस दिया गया था और इसको बर्ड सेंचुरी में बताया गया था। उस ऑर्डर को कंटिन्यू रखते हुए एनजीटी 2011 में ग्रेटर नोएडा, ये नोएडा में किसी ने PIL लगाया जिसपे सब बिल्डर्स लोग इसके PIL के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसको जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द 40 डेवलपर्स हैं एरिया में जो इफेक्टेड है आज के डेट में जी। इन लोग में से जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसको डिस्मिस कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस पर डिसीजन लेगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन नहीं लेगी। ये 2013 में यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एनजीटी का जो रिवाइवल आया था उसपे 2013 में यूपी गवर्नमेंट ने कहा था कि मैं 100 मीटर तक इसको करने का यहाँ के असेंबली में ये पास कर दिया गया था और इसको कैबिनेट में रिकमेंड कर दिया गया था। तो जितने भी एथरिटी के जितने भी लैंड हम लोग को इश्यू हुए, चाहे जिस बिल्डर्स को भी लैंड मिले उस एरिया में, ये केवल ऑलरेडी आपको नोएडा इफेक्ट नहीं करता, ये नोएडा इफेक्ट करता है, आपको जामिया इफेक्ट करता है, फ्रेंड्स कॉलोनी इफेक्ट करता है, ये 10 किलोमीटर के रेडियस में सारा करता है। ये मीडिया द्वारा ऑलरेडी ये 10 किलोमीटर ये जो बोला जा रहा है ये एक्चुअली 10 किलोमीटर का है नहीं एनजीटी का, ये गोवा फाउंडेशन जो आपको PIL 2004 में लगी थी उसको बेस करके वो दे रहे हैं। लेकिन मृत्युंजय हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ जो और मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे थोड़े सवाल जरूर यहां पर करना चाहूंगा। हिमांशु उपाध्याय जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हैं। लेकिन हिमांशु जी, जो अब चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो एनजीटी का मसला हो जिस तरीके से अब 10 किलोमीटर के दायरे की यहां पर बात की जा रही है, या रियल स्टेट के जो जितने इन्वेस्टर्स हैं, या फिर यूं कहें जितने जिन बिजनेसमैन ने जो प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू किए हुए हैं, चाहे उनकी नेग्लिजेंस हो, आखिरकार जो खामियाजा है वो कंज्यूमर भरता है, उसके लिए कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। और किसी भी प्रोजेक्ट में शायद जो गवर्नमेंट है या फिर जो बाकी अथॉरिटीज हैं जो इन्हें रेगुलेट कर रही हैं, वो कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है जो नोटिफिकेशन निकलता है कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज करता है कि ये नोटिफिकेशन के बेस पे आपने कंस्ट्रक्शन करा है कि नहीं करा है। जब उन्होंने स्क्रूटनाइज करा, प्रिमा फेशा ये पाया कि ये सब लोग इस प्रॉपर क्वेश्चन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट,
और इसमें ये था कि 10 किलोमीटर का रेडियस का जो क्वेश्चन बार बार ये महोदय भी राष्ट्र में रेज कर रहे थे अभी यूनिवर ग्रुप के जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये सब चीजें थी, तो ये सब चीजें कोर्ट के संज्ञान में उस समय भी आई थी जब एनजीटी के सामने ये सब इशू रेज हुए थे और कोर्ट ने ये कहा था कि आप एस्टेब्लिश कीजिए कितना क्या है। तो ना तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग और ना ही बिल्डर्स ग्रुप्स ये सब स्पेसिफाई कर पाए थे कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, ये सब इस तरह से हैं। उसके बाद इनको एक दूसरा चांस मिला जब ये हाई सुप्रीम कोर्ट गए, एनजीटी के इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट में ये सुप्रीम कोर्ट गए। और सबसे बड़ी बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि 2013 में ये मसला एनजीटी ने ऑर्डर पास किया था, इंटरिम ऑर्डर था, उसको ये चैलेंज कर रहे हैं 2014 में। और जो एनजीटी ने स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया है उसने कहा कि भाई अब सर्टिफिकेशन ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग्स नहीं इशू कर सकते क्योंकि आपने ये वॉयलेशन किया है। आप एनजीटी के ऑर्डर को भी देखिए तो उन्होंने कहा है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि एक दूसरा इशू भी है यहाँ पे कि एक सिमिलर मैटर्स में दादरी के पास में एक परियोजना चल रही थी जहां पे एक यूनिवर्सिटी को और उत्तम स्टील के मैटर में एनजीटी ने सिमिलर प्रोपोजिशन में कहा है कि अगर ये सब पर्यावरण का जो मसला है उसमें इस पर्टिकुलर स्केल पे आप नहीं कर सकते और वहां भी उन्होंने स्टे ग्रांट किया है। तो ये उस वक्त ये जो तमाम चीजें जो हैं एनजीटी की तरफ से कही गई हैं तो क्या इस मसले पर कोई भी संज्ञान या कोई भी जो अथॉरिटी है नहीं ली गई प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे या तमाम जो इन्वेस्टर्स थे वहां पर उनकी तरफ से? देखिए कोर्ट का काम होता है किसी भी जो लेजिस्लेचर ने कानून बना दिए हैं और जो नोटिफिकेशन लाए हैं उनको स्क्रूटिनाइज करें, उनको जांचे परखे। अगर कोई स्टीम लाइन में भी आता है थोड़ा बहुत तो मेरे ख्याल से कोर्ट इक्विटी कॉशियस और गुड इक्विटी रीजन पे भी उनको सब अलाउ कर देती है। परंतु यहाँ क्वेश्चन इक्विटी का भी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन है कि इस सब चीजों से पर्यावरण का असलियत में नुकसान होगा जी। और इस सब चीजों का संज्ञान लेते हैं प्रेमा फशाई वर्ड का यूज करना पड़ेगा हमें। प्रेमा फशाई एनजीटी ने यह पाया कि इसमें बिल्डर्स का वायलेशन था इसलिए उन्होंने प्रेमा फशाई ग्रांट किया। प्रदीप प्रश्न है जी, एडवोकेट हिमांशु जी कि ये 10 किलोमीटर का दायरा है कि नहीं, जैसा कि यूनिवेरा के एमडी कह रहे थे कि ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये क्या है? कुछ दायरे को लेकर भी एनजीटी ने भी ये सवाल उठाया है कि सरकार ये तय करे? सर आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन एनजीटी ने भी रेज किया था जब आप कोर्ट के सामने सभी बिल्डर्स आए थे वहाँ पहुँचे थे, तो इन्होंने ये क्वेश्चन नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग थे उनसे भी क्वेश्चन रेज किया था कि भाई आप ये बात बताइए। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जब ये मैटर जस्टिस के एस खेर के पास में गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस समय भी बिल्डर जेपी ग्रुप ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि जी आपने जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन दिया था ये एनजीटी ने इस ऑर्डर को वायलेट किया है, इस ऑर्डर के अनुसार अपना ऑर्डर पास नहीं किया। उस समय भी स्क्रूटनाइजेशन का दोबारा क्वेश्चन अराइज हुआ था, तब भी ये कोई क्लियर नहीं कर पाया था क्योंकि जनरली दायरा कितना होगा, दायरा कितना होगा है। तो अभी भी जो पैमाना है वो क्लियर नहीं है कि आखिर में असलियत में पैमाना होगा कितना। चलिए एनजीटी को लेकर जो पूरे का पूरा ये मसला सामने आ रहा है चाहे दायरा कितना भी हो, लेकिन प्रदीप मिश्रा जी जो अब स्थितियां बन रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि एनजीटी ने पहले भी आगाह किया था, पहले भी नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम बिल्डर्स हैं उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं लिया गया, तो अब इस तरीके की बात कहना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है कितना औचित्यपूर्ण है या कितना सही माना जाए इसे? क्योंकि कहीं ना कहीं जहां तक जो तमाम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले लोग हैं उनके साथ साथ अब इन्वेस्टर्स भी जो हैं इसका खामियाजा भरते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर हम डेवलपर साइड की बात करें तो डेवलपर्स ने ऑलरेडी सारी अप्रूवल्स लेके ही काम शुरू किया, मतलब डेवलपर अथॉरिटी से ऑक्शन में प्रॉपर्टी बाय कर रहा है और उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब ये चीजें अब उठ रही हैं, ये चीजें अगर पहले उठी होती, पहले ही इस पर रोक लग गया होता तो शायद उस एरिया में कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई होती। लेकिन एनजीटी की तरफ से तो पहले भी, यानी कि 2 साल पहले से पहले की बात की जा रही है कि नोटिफिकेशन दिया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस मसले पर जो है आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर सर्टिफिकेट्स नहीं लिए गए। लेकिन अब जाहिर है एनजीटी उसके ऊपर एक्शन जरूर लेगा क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अब अगर इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं और उसके बावजूद ये आकर सामने आकर कहना कि इन चीज़ों को पहले रोका जाना चाहिए था, इसमें तो कोई तर्कपूर्ण चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए ये बात फैक्ट है कि कुछ चीज़ों को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन
ये भी सच्चाई है कि बहुत ज्यादा अगर वो दायरा शुरू में ही क्लियर हो गया होता, जैसे 100 मीटर के प्रपोज किया गया उसे 10 किलोमीटर से कम करके, तो लेकिन अगर वो चीजें पहले फाइनल हो गई होती, ठीक है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उस टाइम अपोजिशन हुआ था, उस टाइम इस चीज पर रोक लगी थी, लेकिन जब तक ये चीजें फाइनल नहीं हुई, उसके ऊपर डेवलपर्स ने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया, अथॉरिटी ने उस चीज के लिए कंपलसरी नहीं किया, आज बिल्डिंग खड़ी होगी, लेकिन आज बिल्डिंग खड़ी होने के बाद पब्लिक इंटरेस्ट भी चीज सामने आती है, बहुत सारे बायर्स उसके अंदर फंसे हुए हैं, वो भी फंसे हुए महसूस करते हैं। देखिए अब जो सिचुएशन है, बिल्डिंग खड़ी है, बायर फंस गया है, अब बायर और डेवलपर की अगर हम बात करें तो एक डेवलपर नहीं है, 45 डेवलपर हैं, सारे डेवलपर गलती कर रहे हैं, सारे डेवलपर अनदेखी कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसमें सुमित मैं अपना एक पॉइंट रख रहा हूं कि 2011 में नीलामी हुई, 2010 में नीलामी हुई, 2011 में नक्शा अप्रूवल होता है और 11 के एंड में या 12 में इसका काम का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, 13 में आकर 8 मंजिल या 10 मंजिल बन जाता है, तो 2013 में एनजीटी ने ये नोटिस देना शुरू किया या स्टे दिया, क्यों वकील साहब? नहीं जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा कि शुरू से बिल्डर्स की मंशा यही थी कि हर चीज को दरकिनार करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जाए हर चीज में। हमने ग्राउंड वाटर वाले मैटर में एनजीटी को इंटरफेयर करते हुए देखा, हमने उसके बाद जेपी ग्रीन्स वाले मैटर में भी एनजीटी को इंटरफेयर करते देखा, उत्तम स्टील वाले मैटर में भी एनजीटी को इंटरफेयर करते हुए देखा। तीनों मसलों में बात यही बार बार आई कि किसी न किसी रूप में से पर्यावरण के किसी न किसी उसका अनदेखी की गई है और डेलिबरेटली अनदेखी की गई है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि ग्राउंड वाटर वाले मसले में तो खासकर उसके बावजूद भी डेलिबरेटली सभी बिल्डर्स ने उसमें कंटेम्प्ट किया, कंटेम्प्ट नोटिसेज इशू हुए, एनजीटी ने कंटेम्प्ट नोटिस इशू किए, इसमें एक पिटीशन डाली थी विक्रांत कुमार तोगड़िया ने जी। विक्रांत कुमार तोगड़िया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि जी सब बिल्डर्स, उसके बाद में जितने बिल्डर्स थे, चाहे डीएलएफ हो, चाहे बीपीटीपी हो या सुपरटेक हो या बहुत सारे और बिल्डर्स थे जिन्होंने पानी का दोहन जमीन से नहीं कर सकते, इस पर रोक लगाई थी, और इसी तरह से फिर उन्होंने फिर भी डेलिबरेटली ये सब काम किया। तो ये बात कहना कि कोर्ट को संज्ञान पहले लेना चाहिए था या बाद में लेना चाहिए था, ये तो बहुत गलत होगा, चलिए ठीक, और अनुचित होगा कोर्ट आदमियों के पार्ट पर, क्योंकि कोर्ट तो अपना संज्ञान तभी ले रहा है जब उसके सामने ये मसला आ रहा है कि कोर्ट किसी भी तरह से कोई नोटिफिकेशन का वॉयलेशन नहीं। यहाँ पर सिर्फ बात यह थी कि एनजीटी ने जिस वक्त ये नोटिफिकेशन दिया है उससे पहले इस पे संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसमें इतनी लेबर, इतना वर्क, इतना पैसा और इतनी मेहनत लोगों की जो उसमें लगी है, इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, उसे कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था, इसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। मृत्युंजय जी, कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं या जो प्रोजेक्ट या बिल्डर्स हैं वो नियमों की अनदेखी कर देते हैं प्रॉफिट ज्यादा कमाने के चक्कर में, और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को साथ में जोड़कर अपने हित में मोड़ने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये बात सही है। आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखिएगा, जो यहाँ का बायलॉज कहता है कि यहाँ लैंड जितने भी अलॉट होते हैं थ्रू ऑप्शन होते हैं या आप टेंडर के थ्रू मिलते हैं, इसमें बिल्डर जो भी लैंड लेता है वो अपनी पेमेंट करके लैंड लेता है, टेंडर में लैंड लेता है, और उसको सारी चीज लाइसेंस उसको मिलती है, क्या वो डिफरेंट एजेंसी से लाइसेंस दी जाती है। आज के डेट में ये एनजीटी की प्रॉब्लम ऐसे नहीं, वाटर अभी जो महाशय बोल रहे थे एनजीटी के बारे में, वाटर प्रॉब्लम ये 1 साल पहले हुआ था। आप याद करोगे पास्को का भी 2012 में ये प्रॉब्लम हुई थी, जिस समय मिस्टर जयराम रमेश दैट लेडी, एक साउथ इंडियन लेडी थी, साउथ इंडियन की जो मिनिस्टर थी उस समय, उनको जयराम रमेश को हटा के उस लेडीज को बनाया गया था। ये पास्को में भी सेम प्रॉब्लम एनजीटी का हुआ था, लेकिन बाद में उसको भी गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का विल पावर नहीं था जो इसने स्टेट का रिकमेंडेशन मको मानती, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिकमेंडेशन 100 मीटर का करके 1 किलोमीटर का करके दिया था और इन्होंने नहीं माना जी। लेकिन मृत्युंजय जी, अगर अगर नोटिफिकेशन पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया है, उस पर संज्ञान नहीं लिया गया, उसके बावजूद अब आकर उसके खिलाफ अपनी बात कहना, तो जाहिर है अगर एनजीटी पहले आपको नोटिस जारी कर चुका है उसके बाद अब तो एक्शन वो लेगा। सर आप 2009 का फिगर उठा कर दीजिए, आप जिसको बर्ड सेंचुरी बोल रहे हैं, 2009 से 2011 इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं थी, इसके अंडर में जामिया का जो 2 नई बिल्डिंग बन रही थी, जामिया यूनिवर्सिटी की 2 नई बिल्डिंग बन रही थी, उस वक्त भी इनको रोका, उस समय एनजीटी ने इन पे कोई एक्शन नहीं किया, वो भी इसी 10 किलोमीटर के रेडियस में आती है। उस समय दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे कोई सुनवाई नहीं की और उसने जामिया को बनने दिया, बिकॉज ये सम केसेस थे, इनके पॉलिटिकल केसेस थे कि 1 साल बाद इलेक्शन होना है, इसलिए उन्होंने जामिया को कोई कॉन्सिडर किया और एनजीटी को फॉलो नहीं किया गया।
सेम नोएडा एथॉरिटी ने जो हमें अलाउड करते हैं बिल्डर्स को कि आपको हम सारी लाइसेंस दे रहे हैं, आपका मैप पास हो रहा है, आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, उस समय एनजीटी की हमारी बात नहीं आती। आज कस्टमर पैनिक करते, आज बॉम्बे में महाराष्ट्र में देखिए कैंपा कोला बिल्डर्स की फॉल्ट, कस्टमर जी बिल्कुल मसले काफी सामने आ रहे हैं। और जाहिर है जिस तरीके से कैंपा कोला सोसाइटी की बात कर ली जाए, आदर्श सोसाइटी घोटाले की या फिर सुपरटेक की बात कर ली जाए, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वेस्ट लोग कर चुके हैं और कहीं ना कहीं खामियाजा उन्हें यहां पर भरना पड़ रहा है। लेकिन राजीव रंजन जी, जो पूरी ये एक कंक्लूजन अगर देखा जाए तो फाइनली आकर बात कंज्यूमर पर आती है। जिसने वहां इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट कर रहा है कि उसने अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं तो उसे 20 लाख मिलेंगे, या एक रेजिडेंशियल के लिए या अपने एक छत के लिए वो जगह ढूंढ रहा है, लेकिन फाइनली उसे ये लगता है कि वो ठगा जा चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। एक कंज्यूमर को इस पूरे रूटीन के दौरान जो चीजें ध्यान रखी जानी चाहिए वो उसका ध्यान रखता है या नहीं, पहली चीज तो ये। और अगर वो रखता है, क्योंकि जाहिर है जितने सर्टिफिकेशंस हैं अगर बिल्डर उन्हें सबको क्लियर कर लेता है, उसके बावजूद जो है कंज्यूमर को इन चीजों का सामना करना पड़े तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज कंज्यूमर के पास नितिन जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये राजीव रंजन जी से मेरा सवाल है। जहां तक कंज्यूमर का सवाल है, अगर आप देखो इस पूरे ट्रांजेक्शन में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, एक गवर्नमेंट है, एक बिल्डर है, एक कंज्यूमर है जो मेजर स्टेक होल्डर है, जिसको सारा नुकसान और नफा उसका होना है। इस पूरे ट्रांजेक्शन में अभी मैंने सुना कि कई सारे नोटिसेज इशू हुए थे बिल्डर्स को, और बिल्डर्स को सर्टिफिकेशन करना था। क्या किसी कंज्यूमर को ये पता है? एक स्टेक होल्डर आपका बैंक भी होता है जो कंज्यूमर्स के फंड को बिल्डर को देता है। किसी स्टेज पे बैंक ने क्या वो ऑब्जेक्शन किया, फंड्स रोके गए? ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, कंज्यूमर को कुछ नहीं पता, कंज्यूमर को तो एक सरप्राइज मिल रहा है लास्ट में आके कि अब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया, लोग करोड़ों रुपए लगा के इस समय बैठे हुए हैं और उनका कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या होगा नहीं होगा। सो बेसिकली ये पूरे प्रोसेस में एक अकेला कंज्यूमर है जो मर रहा है। बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रंजन जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर कोई अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन कर लेता है, लेकिन फाइनली बात आकर आ जाती है कंज्यूमर पर, जिसने अपनी जमा पूंजी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में लगाई है और फाइनली आकर उसे लगता है कि उसका सारा पैसा जो उसने पाई पाई करके जोड़ा है वो बर्बाद हो चुका है। बैंक भी जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उन्हें उस टाइम पर उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन की, इस पर भी सवाल उठता है। वापस लौटेंगे, चर्चा जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।